किसान कल्याण योजना 2023 एमपी सरकार ने 7 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 140 करोड़ रुपए। जाने किन किसानों को मिला इस योजना का लाभ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2023 एमपी सरकार ने 7 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 140 करोड़ रुपए। जाने किन किसानों को मिला इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकटो न्यूज में। भोपाल केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत किसान को सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत किसान को हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना में किसान को 2000 रुपए 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान को हर साल 4000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि किसान को 2000 रुपए दो किस्तों के रूप में दी जाती है। इस तरह हर साल दोनों योजना के जरिए यहाँ के किसानों को 10000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ करीब 7 लाख से अधिक किसानों के खाते में इस योजना के तहत किस्त के रूप में 140 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 25 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को शामिल किया गया था। यानी जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड है वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह इस योजना के तहत पीएम किसान योजना से जुड़े प्रदेश के प्रत्येक किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में इस योजना को राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। किसान कैसे चेक कर सकते हैं खाते में पैसा आया या नहीं? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी कर दी गई है। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया गया है। लाभार्थी किसान नीचे दिए गए तरीके से किस्त की राशि चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://sara.mp.gov.in पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही की स्थिति पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ किसानों को अपना आधार कार्ड नंबर या बैंक खाते को दर्ज करना होगा। इसके बाद वर्ष, किस्त और जिले का नाम, तहसील का नाम और गांव का नाम का चयन करना होगा। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर आपके गांव की योजना के लाभार्थी किसानों की लिस्ट खुल जाएगी। यहां अपने गांव के पास अंकित नंबर पर क्लिक कर आप इस योजना के तहत बैंक में ट्रांसफर राशि का विवरण देख सकते हैं। किसान कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को दिया जाता है। यदि आप भी एमपी के किसान हैं और अभी तक आपको पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है तो आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले कृषि विभाग से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, आवेदन करने वाले किसान कन्वेंस प्रमाण पत्र, किसान के खेत के कागजात जिसमें खसरा कतौनी कॉपी, आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश 2023 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंटों से कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।